भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो सबको पसंद आती है, चाहे आप इसे काट के बनाएं, चाहे आप इसे भर के बनाएं, चाहे आप इसे तवा फ्राई करके बनाएं। तो मैं आज आपको भिंडी दो प्याजा बनाना बताऊंगी। ये इतनी सिंपल और इजी है कि आप इसे सिर्फ 2 मिनट के अंदर फटाफट और झटपट बना सकते हैं। भिंडी उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होती है जिन लोगों को फेस पे पिंपल्स होते हैं, या फिर जिनको थोड़ा भी शुगर की प्रॉब्लम है, कैंसर से हमें बचाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई रखी है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड किया है। अब मैं इसे फटाफट गर्म होने के लिए रख दूंगी। थोड़ी देर बाद मैंने इसके अंदर, ये देखिए, अजवाइन और जीरा मैंने डाला है। दोनों को मैं हमेशा ऐड करके डालती हूँ। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी हींग को डाला है जो क्रैकल हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगी, इसमें प्याज डालूंगी। मैं डायरेक्टली बना रही हूँ, जो आप इसी तरीके से बनाइए। सब लोग इसी प्रकार से बनाते हैं, फटाफट बन जाती है और झटपट हमारा एक मेन्यू रेडी हो जाता है, एक रेसिपी रेडी हो जाती है। देखिए, प्याज हमारी थोड़ी देर तक मैंने फ्राई की है, फिर मैंने भिंडी को इस तरीके से थोड़ा लंबा लंबा काट लिया है और इसे भी मैं इसमें मिक्स कर लूंगी। आप चाहे किसी भी शेप में से काट सकते हैं, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी भिंडी कभी भी चिपचिपी नहीं बनेगी। तो चलिए, अब हम इसके अंदर ये धनिया पाउडर ऐड करते हैं। धनिया पाउडर सबसे मेन होता है भिंडी की अच्छी खुशबू आने के लिए। तो आप जब भी भिंडी बनाएं, धनिया पाउडर जरूर ऐड कीजिए, ये बहुत जरूरी है भिंडी की सब्जी में। भिंडी इतनी अच्छी होती है कि बच्चे तो इसे बहुत जल्दी खा लेते हैं। मैं मानती हूँ बच्चे प्याज को अवॉइड करते हैं, लेकिन भिंडी उनके लिए चाहे आप किसी भी फॉर्म में बनाइए, अच्छी ही लगती है। उन्हें पराठे के साथ ये अच्छी लगती है, और भी आप चपाती के साथ खाएं तो ये भी उसमें भी अच्छी लगती है। तो चलिए, इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और रेड चिली ऐड कर ली है। आप इसमें अगर ग्रीन चिली को कट करके डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, वो उससे आपकी भिंडी थोड़ी और चटपटी हो जाएगी। इस वजह से आप अगर चाहें ज़्यादा चटपटा खाना तो आप उसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने भिंडी को ज़्यादा नहीं चलाया है, बस हल्का हल्का ऊपर से चला रही हूँ। आप इसे ज़्यादा चलाएंगे तो आपकी भिंडी थोड़ी चिपी हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि इतनी देर से मैं जब भिंडी बना ली है, मैंने पूरी पक चुकी है, लेकिन अभी तक मैंने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया है। जी फ्रेंड्स, अभी तक मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है। उससे भी पहले मैं इसके अंदर 1 चम्मच घी का डालूंगी, जो हमारी भिंडी को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा और बहुत अच्छी खुशबू इससे हमारी भिंडी में आएगी। तो मैंने इसे भी इसमें मिक्स कर लिया है। तो अब मैं चलती हूँ हमारे नमक की ओर। नमक के बिना सारी सब्जियां अधूरी हैं। नमक मैंने इसलिए पहले नहीं डाला था क्योंकि अगर मैं भिंडी में नमक ऐड कर देती तो भिंडी अपना पानी छोड़ देती और वो चिपचिपी हो जाती। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप नमक को अवॉइड कीजिए। और देखिए, मैंने आपको ये दिखाया है, मैं रॉक सॉल्ट ही यूज करती हूँ। प्लीज फ्रेंड्स, आप भी रॉक सॉल्ट ही यूज कीजिए, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप नहीं यूज करना चाहते तो बीच बीच में तो आप इसे यूज कीजिए, क्योंकि रॉक सॉल्ट बहुत अच्छा होता है और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं इसमें अपना लास्ट इंग्रेडिएंट, एक नींबू का रस ऐड कर दिया है। अब फाइनली हमारी भिंडी बन चुकी है, पक चुकी है। अब आप इसे सर्व करें पराठे के साथ, चपाती के साथ, और मुझे फटाफट बनाकर बताइए कि आपको ये कैसी लगी, और मुझे कमेंट जरूर कीजिए। एंड फ्रेंड्स, ये बैचलर्स के लिए या फिर फटाफट बनाने के लिए, झटपट बनाने के लिए बेस्ट रेसिपी है। ये बच्चों को भी पसंद आती है। इसके लिए अगर आप इसमें आलू डालना चाहते हैं तो बच्चों के लिए एक आलू भी ऐड कर सकते हैं प्याज की जगह। तो चलिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।